हेलो नमस्ते आदाब सत श्री कृष्णा जय जिनी इंद्र। मैं हूं चैताली पटेल आपके अपने चैनल स्टूडेंट कैबरी पर और आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेज आंध्र प्रदेश। तो भाई आंध्र प्रदेश में जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज है आज हम उस कॉलेज के बारे में बात करने वाले। तो भाई चलिए देखते। तो अगर इस कॉलेज के नाम की मैं बात करूंगी तो इस कॉलेज के नाम है कामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस नेगलोंडा। तो ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो भाई अगर ये कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई चलिए देखते क्या खासियत और क्या खूबियां है कॉलेज की। अगर इसके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात करूंगी गाइस तो 2001-2002 में यह कॉलेज समथिंग एस्टैब्लिश हुआ था। साथ ही साथ अगर मैं इसके ओनरशिप की बात करूंगी तो प्राइवेट ओनरशिप है इसकी, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर इसके अफिलिएशन की बात करूंगी तो भाई डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, विजयवाड़ा से यह अफिलिएटेड है। साथ ही साथ अगर मैं यूजी सीट्स की बात करूंगी तो 100 यूजी सीट्स अवेलेबल है। इसी के साथ अगर मैं एवरेज फीस की बात करूंगी तो ENR मतलब लाइक आपको 5,03,000 समथिंग इस कॉलेज की फीस है। बट गाइस फीस को एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, फीस क्या होती है ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है। तो गाइस इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं। तो गाइस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जल्दी से और जो लिंक प्रोवाइड किया है उसको चेकआउट जरूर कीजिए। तो गाइस आपकी जो वो लिंक है काफी हेल्प करने वाली है। तो भाई एक ही हमारी नीट प्रिडिक्टर की तो दूसरी है हमारी प्रोफाइल एसेस फॉर्म की। तो भाई जो नीट प्रिडिक्टर है वो बेसिकली हेल्प क्या करेगा, प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ के साथ जो प्रोफाइल एसेस फॉर्म है वो आपका हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज चेकआउट कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो उसके अलावा अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैंने सबको फीस स्ट्रक्चर बता दिया है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के साथ एक बार फीस को क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर एक्सेप्टेड एग्जाम की हम बात करेंगे तो नीट जो यूजी है वो है एक्सेप्टेड एग्जाम इसके लिए। इसी के साथ अगर मैं इसके स्टेप बाय स्टेप की बात करूं तो भाई इससे पहले आपका 12th पास होना कंपलसरी है विद PCB स्ट्रीम। तो गाइस PCB स्ट्रीम से आपको 12th पास होना कंपलसरी है विद 50% एग्रीगेट विद एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 50% 12th में होना कंपलसरी है। तो गाइस उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी के लिए। तो भाई जैसे जैसे अभी काउंसलिंग चल रही है तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सवाल होते हैं। तो गाइस कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम और हमारी टीम आपकी हेल्प कर पाए। तो गाइस इसके अलावा भी अगर आप आपकी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नीट PG दे सकते हैं। तो गाइस नीट PG जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। तो गाइस अगर इसके अलावा फिर भी जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। तो गाइस ये हमारा कामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, तो भाई ये जो है आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम फिर से आपकी हेल्प कर पाए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह कुछ और नए वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी या। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।